अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन रायन क्लाइमैक्स सीन ऑफ धनुष। सो इसके पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी है। मुझे सबसे बुरा लगा दुर्गा के साथ जो हुआ उसके बारे में। मैंने वीडियो में भी बोला कि चाहे जो हो जाए दुनिया में एक औरत को ही क्यों सहना पड़ता है एंड ऑफ द डे। ओके सो लेट्स सी क्लाइमैक्स सीन में क्या होता है। उसके भाई आके माफी मांगेंगे एंड ये लोग वापस एक हो जाएंगे या क्या, मतलब सोचने वाली बात है। सो माय फ्रेंड्स स्टार्ट। हेलो मैं मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तूने मेरे भाई को कैसे मारा? ओ दुर्गा! ऐसे? दुर्गा नहीं छोड़ते दिया उसने अमृतन से खतरनाक तरीके से। पर अभी सब लोग आते हैं। छुपी खेल रहा है क्या? 12 डरपोक कह के थू। खतरनाक
स्पीच माय गॉड किस तरीके से दिखाया है। वो क्रेजी खाई है। पागल है यार ये इसका भाई, इसी चक्कर में मर जाएगा। क्यों रहा है? मार दे मुझे। इसने उसको इस लाइन पे लाया, वो चुपचाप था अपनी जिंदगी में, इसको क्या पड़ी तू पता नहीं। रायन तेरा क्या हाल करेगा ये सोच के हंसी आ रही है मुझे। छोड़ तो नहीं देगा ना। ये भाई ही पागल है, अभी भी पाव पकड़ सकता था। पागल सीरियसली। तेरा गाँव नहीं, चल दे मुसाफिर है तू। तू चलता जा, चलता जा, चलता जा, ना रुकना, कैसे फील होता होगा उसको? तू चलता जा, बाप के जैसे उसने इन लोगों को पाला था। तू चलता जा, चलता जा, चलता जा। एक मिनट रुक जा, तेरी एक छोटी बहन है ना, तू जेल चला गया तो उसे कौन देखेगा? चल एक डील करते हैं, तूने इतने खून किए हैं, एक और सही,
सेतु को मार दे। ओह माय गॉड, तुझे नहीं ढूंढेगी पर उसे तो नहीं बच पाएगा। एक ना एक दिन वो तुझे ढूंढ के खत्म कर देगा। उस सेतु के एरिया में भी नहीं जा पाएगा तू। एक कॉम्प्रोमाइज मीटिंग अरेंज करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज की आड़ में उससे मिलके उसे खत्म कर देना। बच गया तो ढेर सारे पैसे पर नहीं आईडी। मैं दूंगा तुझे, फिर अपनी बहन को यहाँ से दूर ले जाके नई जिंदगी शुरू करना। अगर नहीं बचा तो I'll take care of your sister and my own daughter. फोन कर रहा हूँ लेकिन उठा नहीं रहा है। सर आप गन क्यों लेके आए हैं? I don't like to leave loose ends. सर जो हमारे बारे में सब जानता है उसे कैसे छोड़ सकते हैं? What? सर क्या मैं भी आपका लूज एंड हूँ? दोनों साइड से खेलता है यार, ये डेंजर है। ऐसे खून की औलाद को मैं नहीं पाल सकती। अच्छा बेबी भी हो गया है। मैं इसे इस माहौल में बड़ा नहीं कर सकती। क्या हुआ सर? इज स्मार्टर देन आई थॉट। नहीं तो ये कितना खतरनाक निकला रे फोन। अब हो चुका पूरा, कहीं पार्ट टू तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बच्चा भी है और पुलिस वाला भी उसके पीछे पड़ेगा। ऐसे ही आए थे यार ये बैठ के। माय गॉड, ये प्लान्ड था पुलिस के साथ, एंड पुलिस का तो उसके भी ऊपर का दिमाग था कि लूज एंड को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसको मतलब उसको मारने के लिए एक तो इसका काम आसान किया उसने, उसको खत्म कर देता। कहीं पार्ट टू तो नहीं आने वाला ना, क्योंकि बेबी भी है अभी, बेबी ये लोग लेके गए। एंड वापस एक जिम्मेदारी आ गई यार रायन के सर पे, इतना पाल पोस के भाइयों को बड़ा किया उन्होंने, तो खंजर डाल दिया पीछे से खचाक। ओके तो वो तो चले गए, बट अभी बेबी को भी बड़ा करना पड़ेगा, कहीं नए जगह पे जाके सेट होना पड़ेगा। ओ माय गॉड, एंड भाइयों को भी मतलब क्या बोल सकते हैं, हाथ पैर जोड़ के सॉरी बोलना चाहिए था, तो वो फाइट बैक करने की कोशिश, फाइट बैक भी नहीं बोल सकते, फाइट करने की कोशिश कर रहा है। उसको अपने की का कुछ है नहीं कि अपने वजह से अपनी बहन की इज्जत चली गई है। लाइक उसका तो गिल्ट होना चाहिए था इन भाइयों को, बट आई कुडंट सी दैट। ओके तो उसको अपने भाई को मारते हुए उसको भी कैसा लगा ना फील हुआ, एकदम मुड़ के नहीं देख पा रहा था थोड़े टाइम के लिए। और पहले वाले भाई को तो दुर्गा ने ही खत्म कर दिया, बिकॉज उसका जान है बड़ा भाई, उसको किसी ने कुछ किया तो शी कांट टेक इट, एंड उसने बड़े भाई का बदला ले लिया। दुर्गा इज खतरनाक, और जिस तरीके से दिखाया वो जब धुएं से चल के आता है पीछे दस सर एंड एवरीथिंग, ओ माय गॉड, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके सब कुछ खतरनाक। आई डोंट नो मुझे क्यों कम व्यूज मिल रहे हैं इस मूवी के सीन रिएक्शन के लिए, बट दिस मूवी इज गुड। तेरा मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत म्याले सा वै